मेरे परिवारजनों, बदलते हुए समय के साथ विकास के, रोजगार के नए नए सेक्टर्स भी बनते हैं। आज से 50-60 साल पहले कोई इतनी बड़ी आईटी इंडस्ट्री के बारे में सोच भी नहीं सकता था। आज से 30-35 साल पहले सोशल मीडिया भी एक कल्पना भरी था। अब दुनिया में एक और बड़ा सेक्टर बन रहा है जिसमें भारत के लिए असीम संभावनाएं हैं। ये सेक्टर है कॉन्फ्रेंस टूरिज्म। कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का पूरी दुनिया में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म इंडस्ट्री 25 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। हर साल दुनिया में 32,000 से भी ज्यादा बड़ी एग्जीबिशन लगती है, एक्सपो होते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, जिस देश की आबादी 2-5 करोड़ होगी, लोग वहां भी कर देते हैं। यहां तो 140 करोड़ की आबादी है, जो आएगा वो मालामाल हो जाएगा। बहुत बड़ा मार्केट है कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के लिए। आने वाले लोग एक सामान्य टूरिस्ट की अपेक्षा कई गुना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 1% है, सिर्फ 1%। भारत की ही अनेकों बड़ी कंपनियां हर साल अपने इवेंट्स बाहर करने के लिए मजबूर हो जाती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि देश और दुनिया का इतना बड़ा मार्केट हमारे सामने है। अब आज का नया भारत खुद को कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के लिए भी तैयार कर रहा है। और साथियों, आप सब जानते हैं एडवेंचर टूरिज्म वही होगा जहां एडवेंचर के साधन संसाधन हो। मेडिकल टूरिज्म वही होगा जहां आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं हो। स्पिरिचुअल टूरिज्म वही होगा जहां ऐतिहासिक, धार्मिक, स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो। हेरिटेज टूरिज्म भी वही होगा जहां हिस्ट्री और हेरिटेज का बाहुल्य हो। इसी तरह कॉन्फ्रेंस टूरिज्म भी वही होगा जहां इवेंट्स के लिए, मीटिंग्स के लिए, एग्जीबिशन के लिए जरूरी साधन संसाधन हो। इसलिए भारत मंडपम और यशो भूमि ये ऐसे सेंटर हैं, वो दिल्ली को कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का सबसे बड़ा हब बनाने जा रहे हैं। अकेले यशो भूमि सेंटर से ही लाखों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। यशो भूमि भविष्य में एक ऐसा स्थान बनेगा जहां दुनिया भर के देशों से लोग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, मीटिंग्स, एग्जीबिशंस, इन सब के लिए क्यों लगने वाली है। आज मैं दुनिया भर के देशों में एग्जीबिशन और इवेंट्स इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को हिंदुस्तान में, दिल्ली में, यशो भूमि में विशेष रूप से आमंत्रित करता हूं। मैं देश की पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर क्षेत्र की फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री को आमंत्रित करूंगा। आप अपने अवार्ड समारोह, फिल्म फेस्टिवल यहां आयोजित करिए, फिल्म के पहले शो यहां आयोजित करिए। मैं इंटरनेशनल इवेंट्स कंपनीज, एग्जीबिशन सेक्टर से जुड़े लोगों को भी भारत मंडपम और यशो भूमि से जुड़ने को आमंत्रित करता हूं। मेरे परिवारजनों, मुझे विश्वास है भारत मंडपम हो या यशो भूमि,
ये भारत के आतिथ्य, भारत की श्रेष्ठता और भारत की भव्यता के प्रतीक बनेंगे। भारत मंडपम और ये यशोभूमि दोनों में ही भारतीय संस्कृति और अत्याधुनिक सुविधाओं, इन दोनों का संगम है। आज ये दोनों भव्य प्रतिष्ठान नए भारत की यश गाथा देश और दुनिया के सामने गा रहे हैं। इनमें नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब भी है, जो अपने लिए सबसे बेहतरीन सुविधाएं चाहता है। साथियों, मेरे शब्द लिख के रखिए, भारत अब रुकने वाला नहीं है। हमें चलते रहना है, नए लक्ष्य बनाते रहना है और उस नए लक्ष्यों को पाकर के ही चैन से बैठना है। और ये हम सभी के परिश्रम और परिश्रम की पराकाष्ठा, देश को 2047 में दुनिया के सामने डंके की चोट पर विकसित भारत के रूप में खड़ा कर देंगे, ये संकल्प लेकर के चलता है। ये समय हम सभी के लिए जुट जाने का समय है। हमारे विश्वकर्मा साथी मेक इन इंडिया की शान है और इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की इस शान को दुनिया के सामने शोकेस करने का माध्यम बनेगा।